नमस्कार दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि गणेश जी की सूंड दाईं ओर की अच्छी होती है या बाईं ओर की। अक्सर श्री गणेश की प्रतिमा लाने से पूर्व या घर में स्थापना करने से पूर्व यह सवाल सामने आता है कि श्री गणेश की कौन सी सूंड होनी चाहिए। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि भगवान गणेश की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं या कुछ में बाईं ओर होती है। सीधी सूंड वाले गणेश भगवान दुर्लभ हैं। इनकी एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप के भी कई भेद हैं। कुछ मूर्तियों में गणेश जी की सूंड को बाईं ओर घुमा हुआ दर्शाया जाता है तो कुछ में दाईं ओर। गणेश जी की सभी मूर्तियां सीधी या उत्तर की ओर सूंड वाली होती है। मान्यता है कि गणेश जी की मूर्ति जब भी दक्षिण की ओर मुड़ी हुई बनाई जाती है तो वह टूट जाती है। कहा जाता है कि यदि संयोगवश आपको दक्षिण मूर्ति मिल जाए और उसकी विधिवत उपासना की जाए तो अभीष्ट फल मिलते हैं। गणेश जी की बाईं सूंड में चंद्रमा का और दाईं सूंड में सूर्य का प्रभाव माना गया है। प्रायः गणेश जी की सीधी सूंड तीन दिशाओं से दिखती है। जब सूंड दाईं ओर घूमी हुई होती है तो इसे पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित माना गया है। ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना गया है। वहीं बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति को ईड़ा नाड़ी व चंद्र प्रभावित माना गया है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय उन्नति, संतान सुख, विवाह, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली। सीधी सूंड वाली मूर्ति का सुषुम्ना स्वर माना जाता है और इनकी आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। संत समाज ऐसी मूर्ति की ही आराधना करता है। सिद्धि विनायक मंदिर में दाई और सूंड वाली मूर्ति है, इसलिए इस मूर्ति की आस्था और आय आज शिखर पर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि दाई और घूमी हुई सूंड के गणेश जी शुभ होते हैं तो कुछ का मानना है कि बाई और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ विद्वान दोनों ही प्रकार के सूंड वाले गणेश जी का अलग अलग महत्व बताते हैं। यदि गणेश जी की स्थापना घर में करनी हो तो दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभ होते हैं। दाईं ओर घूमे हुए सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं जाते समय यदि इनके दर्शन करें तो वह कार्य सफल होता है व शुभ फल प्रदान करता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और वास्तु दोषों का नाश होता है। घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ होता है। यहाँ बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। इन्हें घर में मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे तर्क है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की बलाएं, विपदाएं या नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाती है। घर में प्रवेश करने से पहले जब हम विघ्न विनाशक गणेश जी के दर्शन करते हैं तो इनके प्रभाव से यह सभी नेगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाती है और हमारे साथ घर में प्रवेश नहीं कर पाती। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गणेश जी की जय जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।